भाजपा के वरिष्ठ नेता और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीना बड़े बड़े घोटालों के खुलासे के लिए चर्चित रहे हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों ही दलों की सरकारों में करोड़ीलाल मीना ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच आते हैं जिससे सरकार हिल जाती है। सरकार के प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी के अफसर ये समझ नहीं पाते कि जवाब दें तो आखिर क्या दें। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीना 4 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सरकार के मुख्य या पार्टी हाईकमान उनके इस्तीफे पर फैसला नहीं ले पा रहा है। सरकार और पार्टी को ये डर है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो कहीं उपचुनाव में पार्टी को खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, राजस्थान में अपेक्षा के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आए तो कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का खुलासा खुद करोड़ीलाल मीना ने 1 महीने बाद 4 जुलाई को किया था, जब विधानसभा सत्र चल रहा था। मंत्री होने के नाते उन्हें विभागीय सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंचे। उन्होंने मंत्रालय के दफ्तर जाना छोड़ दिया। करोड़ीलाल मीना ने सरकारी बंगला और गाड़ी का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया था। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने बीत गए। करोड़ीलाल मीना के इस्तीफे पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, ना तो इस्तीफा को स्वीकार किया गया और ना ही अस्वीकार किया गया। करोड़ीलाल मीना ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सरकार के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। वर्तमान में उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन करोड़ीलाल मीना ने ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं जिसके बारे में सरकार जवाब नहीं दे पा रही। भाजपा के सत्ता में आने से पहले करोड़ीलाल मीना ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का रद्द कराने की मांग उठाई। अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद करोड़ीलाल मीना की मांग नहीं मानी जा रही। एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर करोड़ीलाल मीना सीएम भजनलाल शर्मा से भी मिल चुके हैं। पिछले दिनों करोड़ीलाल मीना ने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सबूत पेश करते हुए आरपीएससी की भर्तियों में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया था। उनका दावा है कि आरएस भर्ती 2018 की टॉपर 1 करोड़ रुपए देकर अफसर बनी, उसे 7 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। करोड़ीलाल मीना ने सरकार से जांच की मांग की, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डीओआईटी में हुए घोटाले का खुलासा करने के बाद करोड़ीलाल मीना ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन सरकार मौन धारण करके बैठी है। बड़े बड़े मुद्दे उठाकर करोड़ीलाल मीना अपनी ही पार्टी की सरकार को चुनौती देते रहे, लेकिन सरकार और पार्टी साइलेंट मोड पर है। आगामी दिनों में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें खींवसर, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी, सलुम्बर और रामगढ़ शामिल है। ये 7 विधानसभा सीटें 7 अलग अलग जिले में हैं। इनमें से 5 जिले दौसा, टोंक, डूंगरपुर, अलवर और उदयपुर में करोड़ीलाल मीना का अच्छा प्रभाव है। करोड़ीलाल मीना की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान होना स्वाभाविक माना जा रहा है। संभावित यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की सरकार के मुखिया करोड़ीलाल मीना के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। संभावित उपचुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय होने की संभावना है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।